नमस्कार, आप सबका बीआरजी न्यूज में हार्दिक स्वागत है। बड़ौदा में फ्रंटलाइन हेल्थ वर्करों के बाद फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स के टीकाकरण की आज से शुरुआत की गई, जिसमें जिला प्रभारी, जिला कलेक्टर, शहर के पुलिस कमिश्नर, शहर के म्युनिसिपल कमिश्नर ने आज कोविडशील्ड का टीकाकरण कराया। कोरोना महामारी के खिलाफ जंग का एक तरह से कहे तो अंतिम चरण देश में शुरू हो चुका है। भारत में कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत बड़ी सटीक और तेज तरीके से हुई है। दुनिया में रफ्तार से 20 लाख लोगों के टीकाकरण के मामले में भारत दुनिया का पहला देश बन चुका है। तब फ्रंटलाइन हेल्थ वर्करों के बाद आज से फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स को कोरोना वैक्सीन देने की शुरुआत हो चुकी है। आज बड़ौदा के विभिन्न संचालन विभाग क्षेत्रों के संचालन करते फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स का टीकाकरण किया गया था। एसएसजी अस्पताल में कोरोना काल में बड़ौदा के लिए राज्य सरकार से प्रभारी नियुक्त डॉक्टर विनोद राव ने आज कोविशील्ड का टीका लिया। वहीं जिला कलेक्टर शालिनी अग्रवाल ने भी आज एसएसजी अस्पताल में कोरोना से बचाव की पहली खुराक ली थी। आज कोरोना ना समय ना जंग ना एक निर्णायक तबक्का में हमें प्रवेश करी रहा छे। आ कोरोना ना अंत ना शुरुआत छे। रसीकरण ना कामगिरी भारत में जे प्रकारे आयोजनबद्ध रीते जे रफ्तार थी जे व्याप साथे थई रह्यो छे, ये खरेखर समग्र दुनिया में अनुकरणीय कामगिरी छे। पूरा दुनिया में 2 मिलियन एटले 20 लाख करता वधारा लोगों ने रसीकरण आपवामां सौथी पहला देश तरीके भारत आप्यो छे। समग्र कामगिरी जीरो रिस्क साथे थई रह्यो छे, ये प्रमाणेना एक मेसेज लोगों सुधी पहुँचाड़वा माटे आजे कलेक्टर श्री, कमिश्नर श्री, पुलिस कमिश्नर श्री अने मारा संयुक्त रीते एक टीम तरीके आ रसीकरणना कामगिरी में जोड़ाया छे। हूँ आपना माध्यम थी तमाम लोगों ने विश्वास आपवा मांगू छूँ कि आपना पण जरे वारो आवशे अने आ हेल्थ वर्कर्स थी चालू थे आ फ्रंटलाइन वर्कर्स हवे पछी हाई रिस्क ग्रुप सीनियर सिटीजन्स अने पछी जारे बाकीना वारो आवशे तो कोई संकोच वगैरह આ કામગીરીમાં જોડવા માટે આપને પણ હું અપીલ કરું છું। કોવિડની ડિફિકલ્ટ પરિસ્થિતિમાં ભારત દેશે સમગ્ર વિશ્વમાં કોવિડની રસી વિકસાવીને સંશોધન કરીને એ ખૂબ જ સારી પહેલ સમગ્ર વિશ્વમાં કરી છે અને પહેલા તબક્કામાં હેલ્થ વર્કર્સને રસી મળવાનું ચાલુ થયું હતું અને આજથી ફ્રન્ટલાઇન વર્કર્સને રસી મળવાનું ચાલુ થયું છે। એમના જ ભાગરૂપે આજે વડોદરા જિલ્લામાં મહેસૂલી વિભાગના અધિકારીશ્રી, કર્મચારીશ્રીઓને, પોલીસના ખાતાના કર્મચારીશ્રી અધિકારીશ્રી અને કોર્પોરેશનના જો ફ્રન્ટલાઇન વર્કર્સ છે એ તમામને રસી મૂકવાનું અભિયાન આજથી ચાલુ થયું છે અને એમના જ ભાગરૂપે આજે અમે પણ અહીંયા એસએસજી હોસ્પિટલ ખાતે રસી લીધી છે। એમ बात करें शहर के पुलिस खेमे की तो पुलिस कमिश्नर डॉक्टर शमशेर सिंह ने आज कोविशील्ड का टीका लिया। म्युनिसिपल कमिश्नर पी स्वरूप ने भी आज एसएसजी अस्पताल में कोरोना वैक्सीन ली थी। आज फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर ना वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू थी है। मैं पण वैक्सीन ना फर्स्ट शोट लीधु छे। वैक्सीन बिल्कुल सेफ है, तद्दन सेफ है, एमें कोई शंका करवानी जरूरत नहीं, एनाथी डरवानी जरूरत नहीं। आता 4-5 दिवस में शहरना पुलिस कर्मचारी, जीआरडी सभ्य, होमगार्ड अने ट्राफिक ब्रिगेडना सभ्य ए तमामनी रसीकरण वेक्सिनेशन प्रक्रिया पूर्ण थई जशे। रसीकरण थया पछी वेक्सिन लीधा पछी पण मास्क पहेरवानी अने सोशल डिस्टन्स जाळवानी ए जरूरी छे। ए मारी तमाम नागरिकोने अपील छे कि मास्क अने सोशल डिस्टन्सिंग जाळवा। आजे फ्रंटलाइन वॉरियर्स माटे अमे शुरुआत कर्या हता रसीकरणनु। फ्रंटलाइन वॉरियर्समां कॉर्पोरेशन कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी और रेवन्यू कर्मचारी एमनू फ्रंटलाइन वर्कर्स में समावेश थाय छे। तो एना भाग रूपे आज हूँ पोते म्युनिसिपल कमिश्नर तरीके, कमिश्नर ऑफ पोलिस साहेब, कलेक्टरश्री और ओएसडी विनोद राव साहेब अमे चारों चार आज फ्रंटलाइन वर्कर्स रसीकरण शुरुआत कर्या हता। अने सौने विनंती छे कि जारे पण आपनो टर्न आवशे, जारे पण आपनो समय आवशे त्यारे वैक्सीन जरूरथी लेवू जरूरी छे। बड़ौदा के संचालन की बागडोर संभालते सभी ने कोरोना वैक्सीन से जुड़ी अफवाहों को नकारते हुए वैक्सीन को सुरक्षित बताया।
भारत में कोरोना वायरस को खत्म करने एकजुट होकर वैक्सीन के जरिए महामारी को खत्म करने की अपील भी इन सभी की ओर से की गई थी। आज से जो फ्रंटलाइन पुलिस कर्मियों को कोरोना वैक्सीन देने की शुरुआत की गई है, तब बड़ौदा सिटी के एसओजी विभाग के हेड कांस्टेबल आसिफ कादरी ने भी आज कोविशील्ड का टीका लिया था। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान, बीआरजी न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही बीआरजी न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।